बिहार अपनी प्राचीन धरोहर के लिए भी जाना जाता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बिहार उन महत्वपूर्ण जगहों में से एक है जहां आज भी काफ़ी पुराने अतीत से जुड़े प्राचीन अवशेष और धरोहर मौजूद हैं। इन्हीं में से एक है बिहार की राजधानी पटना के बीरचंद पटेल स्थित सुल्तान पैलेस, जिसमें वर्तमान में परिवहन विभाग का ऑफिस चलाया जा रहा है। 100 साल पुराने इस बिल्डिंग को अब बिहार सरकार तोड़कर उसकी जगह 5-स्टार बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव लेकर आई है। कैबिनेट में भी इसे मंजूरी दे दी गई है। परिवहन विभाग की 4.8 एकड़ जमीन पर लगभग 400 कमरे का 5-स्टार होटल बनाया जाएगा। इस बिल्डिंग को परिवहन विभाग से खरीदकर पर्यटन विभाग को देने की औपचारिकता भी लगभग पूरी कर ली गई है। हालांकि इस इमारत को गिराकर उसके स्थान पर 5-स्टार बनाने के बिहार सरकार के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। देश के इतिहासकारों, संरक्षणवादियों और आम नागरिकों ने इस फैसले का पुरजोर विरोध किया और सरकार से वास्तुशिल्प के प्रतीक और पटना के इस गौरव को संरक्षित करने की अपील की है। सोशल मीडिया पर भी सेव सुल्तान पैलेस हैशटैग के साथ लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस महल को ध्वस्त नहीं करने का अनुरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पटना में गिनी चुनी ऐतिहासिक इमारतें बची है, उसमें से एक सुल्तान पैलेस स्थापत्य कला का नायाब नमूना है। सरकार को इस बिल्डिंग के गिराने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं कुछ इतिहासकार और नागरिक संस्था के सदस्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सुल्तान पैलेस का निर्माण पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज और पटना विश्वविद्यालय के पहले भारतीय कुलपति सर सुल्तान अहमद ने साल 1922 में कराया था। तकरीबन 10 एकड़ में इसके निर्माण पर लगभग उस समय 22 लाख रुपए खर्च हुए थे। विख्यात वास्तुविद अली जान ने इसे डिजाइन किया था और इसके निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का खूब इस्तेमाल हुआ था। इस पैलेस के मुख्य हॉल और डाइनिंग रूम की छत, दीवारों की नक्काशी पर 18 कैरेट सोने का पानी देखा जा सकता है। महिलाओं के निवास स्थान को सुंदर बनाने के उद्देश्य से चीनी मिट्टी के रंग बिरंगे टुकड़ों से फूल पत्ते उकेरे गए थे। इस पैलेस का निर्माण कराने वाले सर सुल्तान अहमद बाद में वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सूचना एवं प्रसारण के सदस्य भी नामित हुए और वह साल 1930 में लंदन में हुए ऐतिहासिक गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हिस्सा लेने गए प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी थे। बहरहाल सरकार ने अब इस पैलेस को गिराकर इसके जगह 5-स्टार होटल बनाने की मंजूरी दे दी है और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। तो अब देखना होगा कि सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है या नहीं। देश प्रदेश और अन्य लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।